लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी आगामी आज संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में शुरू हुई। बता दें कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हीरों का निरीक्षण किया गया, तत्पश्चात उनकी बोली शुरू हुई। इस नीलामी में उज्जवल, मैले एवं औद्योगिक किस्म के हीरे रखे गए। बता दें कि आज नीलामी में 68 नग हीरे कुल 82.38 कैरेट के रखे गए थे, जिसमें 14.7 सोनिया कैरेट वजन के हीरे 24,07,526 रुपए में नीलाम हुए। इस नीलामी में पन्ना जिला सहित गुजरात, राजस्थान, सूरत, मुंबई के हीरा व्यापारी शामिल होंगे। एक कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि पन्ना जैसे हीरे कहीं भी नहीं मिलते हैं, यही कारण है कि इन हीरों को खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी आते हैं। यह नीलामी अभी 2 दिन और चलेगी और शासन को नीलामी से अच्छे राजस्व के आने की उम्मीद है। पन्ना से जिला ब्यूरो धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट, R9 भारत। जो हो रही है उसमें लगभग 200 से ज्यादा हीरे रखे गए हैं, कुल कीमत कितनी है और शासन को आज की नीलामी से क्या लगा है, कितने हीरे बिक पाए हैं और कितने बिक्री हो पाएगी राजस्व? हीरे की नीलामी अभी 3 दिन चलेगी और ये पिछली नीलामी में जो हीरे नहीं बिके थे अभी तक उन हीरों को और पिछले 3 महीने में जो नए हीरे प्राप्त हुए हैं उन हीरों की नीलामी का कार्य किया जा रहा है। आज लगभग 26 ट्रे नीलामी के लिए रखे गए थे, इसमें 68 नग हीरे थे और 82.38 कैरेट उनका वजन था और नीलामी की प्रक्रिया चालू हुई थी, जिसमें 6 ट्रे के 12 नग हीरे अभी बिके हैं 14.70 कैरेट के और 24 लाख के हीरे आज नीलाम हुए हैं। और जो नीलामी में हीरे आज नहीं हो पाई है उन नीलामी में कल भी रखे जाएंगे, कल और नई 26 ट्रे नीलामी के लिए और रखे जाएंगे। सर आखिर क्या खास बात है पन्ने के हीरे में, पन्ना के हीरे में कि लोग व्यापारी आते हैं, हीरे तो दूसरी जगह भी निकलते हैं? देखिए पन्ना का हीरा जो रत्न गर्भा धरती है पन्ना की, रत्न जो है हजारों साल पुराना हीरा है, बिल्कुल नेचुरल हीरा है जिसका GI टैगिंग के लिए भी पन्ना में हम लोगों ने अप्लाई कर रहे हैं और ये हीरा इतना नेचुरल है, इतना प्राकृतिक हीरा पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जो क्लैरिटी और जो जेम क्वालिटी यहाँ के हीरों में मिलती है, हीरों के नीलामी के बाद जब उनकी कटिंग पॉलिशिंग करते हैं तो जो ऑप्टिमम वैल्यू हीरे मिलती है वो किसी और हीरे में नहीं मिलती, इसलिए व्यापारी चाहते हैं कि पन्ना का हीरा खरीद के ले जाएं और यहाँ के तुआदारों को जो हीरा खोदते हैं उनको अच्छा से अच्छा मूल्य मिले, ये भी जिला प्रशासन कोशिश करता है। प्रशासन क्या सुविधा देता है, कम मूल्य में अमानत राशि जमा करके लोग बोली में भाग ले पाते हैं, बाहर से लोग आएंगे उनको क्या सुविधा देगा प्रशासन? देखिए बाहर से कोई भी नीलामी में भाग ले सकता है, 5,000 रुपये उनसे हम सिक्योरिटी राशि जमा कराते हैं, उनका आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ लेते हैं और जो व्यापारी आते हैं उनको जिस भी तरह की उनको सहूलियत की ज़रूरत होती है, उनको रुकने ठहरने ट्रांसपोर्टेशन जहाँ कहीं उनकी कोई मांग होती है वो भी हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। हीरा का जो ऑक्शन हॉल है उसमें भी उनको हम हीरे के परखने और बाकी उनको देखने के लिए लाइट और मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह सब उनकी व्यवस्था करें ताकि हीरा अच्छी तरीके से देख सकें, परख सकें और एक पारदर्शी तरीके से नीलामी की प्रक्रिया भाग ले सके। अंतिम सवाल, कुल कितना राजस्व आने की उम्मीद है अभी आप लगाए? 3 दिन में लगभग 4 करोड़ के हीरे हम लोग नीलामी में रखेंगे और